हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमाज क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल स्टिच सिखा रही हूँ। इसे डिटैच्ड बटन होल स्टिच बोलते हैं। ये जो स्टिच है, इससे हम जो फ्लावर्स बनाते हैं या पेटल्स बनाते हैं, उनका 3D इफेक्ट आता है। जब हम इसकी पेटल्स बनाते हैं, वो भी देखिए आप, उभार वाली होती हैं। जो हमने पेटल्स बनाई हैं, वो भी 3D इफेक्ट दे रही हैं। ये जो हमारी पेटल्स हैं, स्टंप वर्क से करी हैं। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में स्टंप वर्क सिखाया था, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि इनको कैसे आप बड़ा, लंबा या चौड़ा या पतला या नुकीला कैसे बना सकते हैं, या इनको आप अटैच कैसे करेंगे कि ये बहुत अच्छा इफेक्ट दें। ये जो हमने इसका सेंट्रल पार्ट बनाया है, ये आप रिंग जो देख रहे हैं, ये वही सेम रिंग है जो हम मिरर वर्क में बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सिंपली एक छोटा सा राउंड बना लेते हैं और उसके चारों तरफ बटन होल स्टिच करते हैं। इसके लिए हम एंकर की गुछियां यूज कर रहे हैं। ये देखें, मैंने डबल शेडेड पिंक कलर लिया है और साथ में ग्रीन कलर लिया है, और मैं इसकी 6 स्ट्रैंड से ही वर्क करूंगी। और नीडल जो है वो हम बिग आई वाली लेंगे, और इसके एक तरफ ये 6 स्ट्रैंड हमने नीडल में डाल ली हैं और एक तरफ हमने गांठ लगा ली है। अब मान लो हमने यहाँ पे एक और फ्लावर बनाना है। हम यहाँ पे एक छोटा फ्लावर बनाएंगे 3 पेटल्स का। तो इसके लिए हम सबसे पहले छोटे छोटे से 3 बटन होल स्टिच यहां पे करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे एक चेन बनाएंगे। देखिए ऐसे थ्रेड को आगे रखेंगे और हम ऐसे ब्लैंकेट स्टिच की तरह 3 यहां पे स्टिचेस ले लेंगे। ये हमने 3 स्टिचेस ले लिए। अब हम इन 3 स्टिचेस के ऊपर ही वर्क करेंगे, हमने कपड़े को बिल्कुल टच नहीं करना है। अब देखे, मैं यही बटन होल स्टिच जो है, अब इसको रिवर्स कर लूंगी। अब इधर से ऐसे इसको स्टिच को सेम ऊपर वाले पॉइंट से, ये जो हमारा ऊपर वाला स्टिच है, यहां से थ्रेड निकाल लूंगी। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि चेन एक ही प्रेशर से खींचनी है, बहुत लूज नहीं और ना ही बहुत टाइट करनी है आपने। आपको आपके स्टिचेस नजर आने चाहिए। ये देखिए ऐसे, और ये हमारी 3rd। चूंकि पेटल जो है वो नीचे से थोड़ी पतली और सेंटर से थोड़ी ब्रॉड होती है, तो हम स्टिचेस बढ़ाते जाएंगे। हमने 3 स्टिचेस लिए थे, अब हम इसमें ही 4 स्टिचेस डाल लेंगे। हम लास्ट वाले में या सेंटर वाले में किसी में भी हम 2 स्टिचेस डाल लेंगे ऐसे। ओके, अब पहले धागा उस तरफ था तो हमने इस तरफ इसको पलटा, अब धागा इस तरफ है, मींस हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो अब हम इसको राइट की तरफ पलटेंगे। और सेम जो हमारा स्टिच है, ये देखे सेम स्टिच, नीचे वाला कपड़ा हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन स्टिचेस के बीच में ही वर्क कर रहे हैं। सेम स्टिच में हमने दोबारा से वर्क करना शुरू कर देना है। हमने पहले 3 स्टिचेस लिए, फिर 4 किए, अब हम 5 भी कर सकते हैं या 4 2 लाइनों में भी कर सकते हैं। अगर आपने बड़ी पत्ती बनानी है तो आप ज्यादा लंबा वर्क करेंगे, और अगर आपने छोटी बनानी है तो आप कम वर्क करेंगे। ये देखिए, हमने एक बना ली, ये हमारी 2nd, क्योंकि मेरे को यहां पे छोटा फ्लावर बनाना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं करने वाली, इसको पत्ती को थोड़ा कम ही रखूंगी। और ये 4, जरूरी नहीं आपने 3-4 स्टिचेस या 5 स्टिचेस ही मेरे हिसाब से लेने हैं, आप अपने प्रोजेक्ट की डिमांड से इस स्टिचेस को ले सकते हैं। तो आप देखें, ये ऊपर फ्लैप बन रहा है ऐसे। अब 4 है तो अब हम फिर से इसके ऊपर एक और लाइन वर्क करेंगे ऐसे। अब हम थ्रेड को इस तरफ पलट लेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, सेम स्पेस में हम दोबारा से वर्क करते हैं ऐसे। सिंपल चेन्स हैं, बस आपने कपड़े को नहीं, सिर्फ स्टिच को उठाना है और
थ्रेड को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है। अगर आपने ऊपर से राउंड पेटल बनानी है तो आपने ब्रॉड करते चले जाना है, और अगर आपने तीखी पेटल बनानी है तो आपने सेंटर से ब्रॉड करके फिर से उसको थोड़ा नुकीला बनाते चले जाना है। अब मैंने ये फोर फोर स्टिचेस जो हैं वो तीन बार ऑलमोस्ट एक लाइन में ले लिए हैं। मुझे छोटी पेटल्स चाहिए, अब मैं इसको बंद करने की कोशिश करूंगी और अब मैं फोर की बजाय तीन स्टिचेस लूंगी। और ये लास्ट वाले में एक और स्टिच लूंगी। अब फिर मैं थ्रेड को इस तरफ पलटूंगी और नेक्स्ट रो में मैं इसको टू स्टिचेस लूंगी। और लास्ट वाले में मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रही हूं ताकि ये हमारी तीखी सी पत्ती बन जाए। ये हमारी पत्ती जो है वो ऐसे बन गई है। अब हम इसको यहां पे अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे कर्व देके इस पत्ती को यहां पे अटैच कर देंगे इस पॉइंट पे। ऐसे अटैच करना बिल्कुल सिंपली, आपने इसको नीचे ले जाना है तो ये अटैच हो जाएगी ऐसे। हम तीन पेटल्स बनाएंगे। अब हम यहां पे ऐसे इस तरीके से वर्क करेंगे। ये देखिए ये तिकोना हमने बनाया है ऐसे और ऐसे। एक पेटल हम ऐसे बनाएंगे जो यहां पे हटेगी, एक पेटल हम इधर बनाएंगे जो यहां पे लगेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये पेटल्स कैसे बनती हैं। सबसे पहले हम यू चेन्स लगाएंगे नीचे बेस पे। वन, आप छोटी भी लगा सकते हैं बड़ी भी लगा सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे स्टिचेस लेके हम तीन स्टिचेस बेस में सबसे पहले लेंगे। ऐसे अब इसके ऊपर हम सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने इस पेटल के ऊपर किया था। तो इस स्टिच को डिटैच्ड बटन होल स्टिच बोलते हैं और इसके साथ बनाएगी पेटल्स बहुत खूबसूरत और 3D इफेक्ट वाली बनती हैं। आप ऐसे मोटिव्स बना के अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी पेटल बनाने का अंदाज पसंद भी आएगा और आप इसको बनाने की प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। तो इस पत्ती को भी हम उसी तरीके से उतना ही बड़ा बना के इसको नीचे क्लॉथ के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको कम करना शुरू करेंगे। थ्री स्टिचेस, थ्री फिर टू फिर वन, ताकि ये ऊपर से थोड़ी पॉइंटेड पेटल बने। तो ये देखिए यहां पे मैं एक लास्ट स्टिच लेके इसको फिनिश करूंगी। तो ये पत्ती की शेप बन गई। अब इसको हम यूं ऐसे अटैच कर देंगे क्योंकि हमने थ्री पेटल्स बनानी है तो एक की डायरेक्शन इधर, एक इधर और एक सेंटर की तरफ आएगी। तो इसको हम ऐसे यहां पे अटैच कर देंगे इस तरह। सिंपली हम कपड़े के नीचे थ्रेड को ले जाएंगे तो ऐसे यहां पे अटैच हो जाएंगे। तो ये देखें कि इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। अब हम थर्ड वी इसी तरीके से यहां से बनाएंगे। अब यहां पे स्पेस कम है तो हम ये वाला रिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं बनाना जरूर आपको सिखाऊंगी। और इसमें हम सिंपली एक बीड जो है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया। ये रिंग बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए हम कोई भी थोड़ी बारीक साइज की पेंसिल लेंगे क्योंकि हमें छोटे रिंग्स बनाने हैं, तो हम छोटी पतली वाली पेंसिल लेंगे। तो ये देखें हमने इसके ऊपर चारों तरफ तीन चार रैप कर देने हैं। रैप करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे।
आराम से निकाल लेंगे। और ये जो हमारा रिंग बना है इसके चारों तरफ हम बटन होल स्टिच करेंगे, जैसे हम पहले मिरर वर्क के लिए करते रहे हैं। ये देखिए, इसको हम यूं रखेंगे ऐसे, यहां पे हम इन सभी लेयर्स में से थ्रेड को निकाल नीडल को निकालते हुए यूं बटन होल स्टिच करेंगे आगे थ्रेड करके ऐसे, बिल्कुल क्लोजली वर्क करेंगे तो बहुत सुंदर एक हमारा रिंग बन जाएगा। बस बटन होल स्टिच करते हुए हमने इस पूरे रिंग में वर्क कर लेना है ऐसे। तो देखिए, जब ये रिंग बनके कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम इसको कहीं पे भी अटैच कर देंगे। देखिए, सिंपली इसको हमने दो स्टिचेस के साथ अटैच करना है। देखिए, इसको 3D इफेक्ट देने के लिए मैंने दो ही पॉइंट पे अटैच किया है ताकि ये उभरा हुआ ही नजर आए। यहां पे भी मैंने इसको दो पॉइंट पे ही अटैच किया है और इसके सेंटर में हम एक बीड लगा सकते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब हम पेटल्स बनाना सीखेंगे। तो यूं लंबी पेटल बनाने के लिए हम एक लंबी सी ऑल पिन लेंगे और इसको हम लंबा स्टिच लगाएंगे ऐसे। मान लो हमने यहां पे बनानी है, उसको फोल्ड करना है, तो इतनी लंबी लेने के बाद हम पेटल को काफी नीचे से शुरू करेंगे यहां से, ताकि इसके नीचे ही इसका एज जो है वो दिखाई ना दे ऐसे। और इस पिन के दोनों तरफ लपेटते हुए यहां पे भी हम इसके नीचे एज तक ले जाएंगे, यहां तक। तो ये एक बी शेप सा स्टिच हमारा बन जाएगा। अब हम इस पहले वाले स्टिच के साथ दोबारा से नीडल को निकालेंगे और वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए हमने सिंपली ये जो स्टिच है, हमारे जो दो स्टिचेस बने हैं, इसके दोनों तरफ वीव करना है ऐसे, अंदर से बाहर की तरफ नीडल को निकाल, और इधर से भी अंदर से सेंटर से बाहर की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले चूंकि हमें नीचे थोड़ी ब्रॉड पत्ती चाहिए, हम थोड़ा लूज खींचेंगे, बहुत कसके नहीं खींचेंगे ऐसे, और फिर ऐसे। ये देखिए ऐसे, बस इसकी खींचने पे ही सारी शेप जो है वो डिपेंड करती है। अगर आप जोर से खींच देंगे तो सारी पत्ती पतली पतली सी बनेगी, लेकिन अगर आप सेंटर से थोड़ा सा बेस में से थोड़ा ब्रॉड स्टिचेस बनाना चाहते हैं, ब्रॉड पत्ती बनाना चाहते हैं, तो हल्के हाथों से खींचिए ऐसे। आप देख रहे हैं मैं बहुत हल्के हाथों से खींच रही हूं। आप कोशिश करें कि एक जैसे प्रेशर से ही स्टिचेस लें ऐसे। जब थोड़ा सा बन जाए तो उन सारे स्टिचेस को आप अंदर की तरफ पुश कर दें, ताकि ये कॉम्पैक्ट सी पत्ती बने ऐसे ऐसे। बस इसी तरीके से इसको भरते चले जाएं सेंटर तक। हम इसको थोड़ा सा कम प्रेशर से खींचेंगे और उसके बाद हम थोड़ा खींच के बनाएंगे, ताकि पत्ती जो है ऊपर से नुकीली बने ऐसे। आप प्रेशर को हल्का हल्का सा टाइट कर सकते हैं, ताकि जो पत्ती है वो इन शेप बने। अगर आप बिल्कुल चौड़ी रखेंगे सारी तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखें, यहां से थोड़ी ब्रॉड है, यहां से अब नैरो होती जा रही है, क्योंकि मैं प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लगा रही हूं खींचने में ऐसे। ये छोटे छोटे सी बातें हैं, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो लीफ है वो बहुत सुंदर बनेगी।
मैं इसको एंड तक वर्क करूंगी, इसको खींचती जाऊंगी, अंदर की तरफ पुश करती रहूंगी और इसको ऐसे वर्क करती रहूंगी ताकि मेरी पत्ती जो है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट और इन शेप बने। ये देखें, अब मैं स्टिचेस जो है काफी कस के ले रही हूं ताकि एंड में जो है बिल्कुल नुकीली पत्ती बने। ये लंबी पत्ती का स्टाइल है जो मैंने आपको दिखाई। मैं ज्यादा प्रेशर से खींच रही हूं थ्रेड को, ये देखिए ऐसे, और इसको मैं यूं अंदर की तरफ पुश करती रहती हूं ताकि पत्ती जो है वो कंपैक्ट बने। ये देखिए, अगर आप प्रेशर कम ज्यादा नहीं करेंगे तो पत्ती की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ये हमारी ऑलमोस्ट एंड तक पत्ती बन गई है, अब हम इसको निकाल देंगे। और ये देखें हमारी पत्ती बन के रेडी है। ये हमारी पत्ती देखें कैसे पतली सी बन के रेडी है। अब इस पत्ती को आपने ट्विस्ट कैसे करना है, आप इसको कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट करना है इस तरीके से, या इसको इस तरीके से करना है ऐसे, और इस तरफ इसको यूं यहां पे अटैच करना है ऐसे ऐसे। तो इसको मैं क्या करूंगी, यहां पे इसको ट्विस्ट करके यूं यहां अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद यहां पे इसको ट्विस्ट किया है, बेंड जहां पे हमारा है वहां पे एक स्टिच लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से सीधी हो जाएगी ऐसे। इसको हम यहां पे ऐसे अटैच कर देंगे, तो ये इस तरीके से हमारी बेंड हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरीके से जितनी भी पत्तियां बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको अगर यहां पे महसूस हो रहा है कि एक हमें छोटी पत्ती भी चाहिए ऐसे या इस तरफ चाहिए, तो हम ये वाली पत्ती बनाएंगे। ये जो पत्ती है इसकी शेप आप देख रहे हैं, ये नीचे से भी बिल्कुल पतली, सेंटर से ब्रॉड और ऊपर से बिल्कुल पॉइंटेड। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखें मैं आपको सिखाती हूं इसको हम कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले बेस में सिर्फ एक ही स्टिच लेते हैं, एक ही चेन लेते हैं ऐसे। ये देखिए एक चेन ली, अब इस चेन में हम इसके ऊपर तीन स्टिचेस बना लेंगे। हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए हम ये जो हमारा स्टिच है इसी के ऊपर हम चेन डालेंगे, एक इसी में हम सेकंड डालेंगे, तो ये टू स्टिचेस हो गए, है ना। आप तीन भी डाल सकते हैं यहां पे, इसको तीन कर दीजिए, तीन स्टिचेस हो गए। अब ये पत्ती आप अपने हिसाब से चौड़ी लंबी पतली जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी बना सकते हैं। सेंटर से ब्रॉड चाहिए तो आप सेंटर से इसको ब्रॉड कर सकते हैं। वर्क वही है, आपने थ्रेड को आगे रखना है, और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है तो थ्रेड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करना है, अगर राइट हैंड साइड की तरफ आना है तो थ्रेड को राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करना है। सिर्फ ऊपर से उठा रही हूं, कपड़े को बिल्कुल भी टच नहीं करना आपने, ये ऊपर ऊपर बनती है ऐसे। मैंने इसको ब्रॉड बनाना है तो मैंने इसके यहां पर फोर स्टिचेस बना दिए, तो आप देख रहे हैं ये यहां से बिल्कुल पतली है, यहां से ब्रॉड होती जा रही है। अब आप ब्रॉड कितनी बड़ी चाहिए आपको उतनी लेंथ तक आप फोर फोर स्टिचेस लगाएं, और अगर और ब्रॉड चाहिए तो आप फाइव स्टिचेस भी कर सकते हैं। स्टिचेस आप किसी एक पॉइंट पे डबल टाइम लगा के स्टिच को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत फिनिशिंग वे से। ये लास्ट आप इसको आप थोड़ा सा बड़ा बना के और उसके बाद इसको पॉइंटेड करके यहां पे अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के पॉइंटेड कर लिया है, अब मैं इसको यहां पे ऐसे अटैच कर दूंगी ऐसे इस पॉइंट पे। तो ये देखें ये कितनी सुंदर पत्ती बनके रेडी होगी। जितनी पत्तियां आप इसमें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, यहां बनाना चाहें कहीं पे भी आप इसको बना के एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आपको ये अच्छे से
लीव्स लंबे वाले और ब्रॉड वाले और पॉइंटेड एज वाले बनाने अच्छे से आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।